इंडिया में एम जी हेक्टर की ग्रेट सक्सेस के बाद एम जी मोटर्स ने फाइनली इंडियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में कदम रखने की ठान ली है और इसी कड़ी में एम जी मोटर्स ने लॉन्च करी है एम जी जेड एस ई वी जो कि सीधे सीधे टक्कर देने वाली है ह्यूंडई कोना ई वी को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इट्स सुमित कुमार में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एम जी जेड एस ई वी के बारे में, क्या इसके डायमेंशन, कलर, वेरियंट, स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं और यदि आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो मैं इस वीडियो में इसकी प्राइसिंग की भी बात करूंगा और अपना ओपिनियन दूंगा कि यह गाड़ी चलने में या देखने में आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं गाड़ी के डाइमेंशंस की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 4.3 मीटर की लेंथ देखने को मिल जाती है और 1.8 मीटर की विड्थ देखने को मिल जाती है। यदि इस गाड़ी की हाइट की बात करूं तो यह गाड़ी आपको 1.6 मीटर की देखने को मिलेगी और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 17.7 सेंटीमीटर है, जो कि एक एसयूवी के लिहाज से ठीक ठाक है। तो यदि एम जी जेड एस ई वी के कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये गाड़ी आपको 3 कलर ऑप्शंस में देखने को मिल जाती है। पहला है फेरिस वाइट, दूसरा है करंट रेड एंड तीसरा है कोपेनहेगन ब्लू, जो कि देखने में मुझे तीनों कलर्स में से सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस गाड़ी की बैटरी और पावर फिगर्स के बारे में। तो यह गाड़ी आपको 44.5 किलोवाट की एक पावरफुल बैटरी के साथ अवेलेबल है, जो कि आपको 142 पीएस की पावर देगी और साथ ही साथ 353 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोवाइड करती है 5000 आरपीएम पर। यदि मैं गाड़ी के 0-100 की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको 0-100 8.5 सेकेंड्स में ही रीच करा देगी। दोस्तों, इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करना हमेशा से एक हेडेक वाला क्वेश्चन रहा है, तो इस गाड़ी को आपको चार्ज करने में कितना समय लगेगा इस बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं। तो इस गाड़ी को आपको एसी फास्ट चार्जर से चार्ज करने में लगभग 6-8 घंटे का समय लगेगा और साथ ही साथ कंपनी जो आपको एक नॉर्मल एसी चार्जर जो कि गाड़ी के साथ प्रोवाइड कराती है उससे यदि आप चार्ज करने जाएंगे तो 16-18 घंटे तक का समय लग सकता है। साथ ही साथ एमजी मोटर्स ये दावा कर रही है कि आपको हर सर्विस आउटलेट और मेजर सिटीज के रूट पर डीसी सुपरफास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस गाड़ी की बैटरी को 80% तक 50 मिनट में चार्ज करके दे देगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, एम जी मोटर शुरुआत से ही अपनी गाड़ियों में इंफोटेनमेंट सिस्टम देने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। एम जी हेक्टर में भी इसने इंटरनेट वाला सिस्टम लेके आई थी सबसे पहले सेगमेंट में और इस गाड़ी में भी आपको 20.32 सेंटीमीटर का एक काफ़ी शानदार इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको एक एसयूवी और काफ़ी प्रीमियम फील दे। गाड़ी में आपको रियर सीट बेल्ट, अलार्म, लेदर सीट्स, लेदर रेप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर ऑन डैशबोर्ड, 60-40 स्प्लिट सीट्स और पेनारोमिक स्काई रूफ जैसे कई शानदार फीचर इंटीरियर में देखने को मिल जाते हैं। यदि आपको पता नहीं है पेनारोमिक स्काई रूफ क्या होता है तो शॉर्ट में आपको बताऊं कि पेनारोमिक स्काई रूफ आपकी रूफ की 90% कवर करके रखती है, जो कि आपको रेनी, क्लाउडी और नाइट में काफ़ी ज़्यादा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है और ये सारे फीचर्स इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और प्रीमियम बनाते हैं। इन सारे फीचर्स के साथ साथ आपको इस गाड़ी में कुछ और भी काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हीटेड ORVM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिस्क ब्रेक, ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर, रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ डायनेमिक लाइंस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, 6 एयरबैग्स, स्पोर्ट्स नॉर्मल एंड इको मोड, लंडन आई टाइप हेडलैम्प एंड LED DRL विथ रेसिंग इंस्पायर्ड टेल लाइट्स, न्यू फ्रंट ग्रिल, विंडमिल इंस्पायर्ड R17 मशीन एलॉय व्हील्स एंड PM 2.5 एयर फिल्टर। सो दोस्तों, ये थे एम जी जेड एस ई वी के कुछ टॉप फीचर्स जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और अब वीडियो के एंड में यदि मैं बात करूँ इस गाड़ी के वेरिएंट एंड प्राइसिंग के बारे में, तो ये गाड़ी आपको 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, एक्साइट एंड एक्सक्लूसिव। यदि मैं इन वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करूँ तो एक्साइट वेरिएंट आपको लगभग 20 लाख के आसपास मिल जाएगा और एक्सक्लूसिव वेरिएंट लगभग आपको 24-25 लाख के आसपास मिल जाएगा। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्राइस और इनके वेरिएंट्स की कीमत? मेरे हिसाब से तो जिस वेरिएंट और जिस प्राइस में ये गाड़ी अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलूंगा आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।